हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोरिया बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि आपको पता था कि पहला लेक्चर जो प्री क्रिश कोर्स का दिया जा रहा था वो कंप्लीट हो चुका था। आज आप लोगों को दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि पहला चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चों जुड़ जाइए, सभी बच्चों कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। आज से आप लोगों को कंटिन्यू क्रिश कोर्स का वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की अब समस्या मेरे समस्या नहीं होने वाली क्योंकि पूर्णतः सारा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चों जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू आप लोगों का 8 बजे कंटिन्यू लाइव होने वाली है। तो इसलिए सभी बच्चों जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, याद रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। जो आज का लेक्चर होगा बच्चों वो बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड की तरफ से, बोर्ड की ओर सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे, आज जो कराया जाएगा सभी से इस सेशन के अंतर्गत। तो याद रखिएगा सभी बच्चों कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि सभी क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन जो बच्चों है वो क्या है, जून स्कोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जून स्कोर, जू स्पोर तथा जायगोट के बीच विभेद करें। किसकी बात करेंगे? जू स्पोर तथा जायगोट के बीच क्या करें बच्चों? विभेद करें। पहला हमें जानेंगे बच्चों जू स्पोर और दूसरा क्या है बच्चों? जायगोट। तो जो जू स्पोर होता है ये क्या होता है? ये एक कोशिकीय हैप्लोइड यानी याद रखेंगे अगुणित, क्या रखेंगे बच्चों याद? अगुणित या द्विगुणित यानी डिप्लोइड संरचना होती है। अगुणित भी होती है, द्विगुणित भी होती है। आपसे पूछे क्या सर जू स्पोर एक कोशिकीय तो होते हैं मगर ये अगुणित भी होंगे और द्विगुणित भी होंगे, पहला पॉइंट याद रखें। दूसरा है जायगोट में बच्चों यह एक कोशिकीय डिप्लोइड संरचना होता है, यानी आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय तो होते हैं मगर संरचना कैसी होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। दूसरा नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर जानते हैं जो स्पोर का, दूसरा नंबर है बच्चों क्या कि यह चलनशील यानी मोटिलिटी होता है, कौन कहिएगा? जो स्पोर। अब हम जानेंगे जायगोट में ये क्या होती है, यह अचलनशील यानी नॉन मोटिलिटी होता है। तो इसमें याद क्या रखना है, ये चलनशील होता है और ये क्या होता है? अचलनशील होता है। ये चल सकता है और ये अचल से अचलन से मतलब नहीं चल सकता, तो ये याद रखें। इसका तीसरा नंबर हम जानेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर है इनका निर्माण अलैंगिक जनन के दौरान होता है। इसका निर्माण याद रखेंगे लैंगिक जनन के दौरान होता है। जो जो स्पोर होता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा, जो याद रखेंगे बच्चों जायगोट होता है वो क्या होता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के द्वारा। तो याद रखना चाहिए ये अलैंगिक और ये क्या है? लैंगिक। तो हम इस क्वेश्चन को जाने, इस क्वेश्चन को समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बच्चों आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है याद रखिएगा बच्चों? गेमिटोजेनेसिस। क्या है बच्चों? गेमिटोजेनेसिस तथा एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच अंतर स्पष्ट करें। गेमिटोजेनेसिस तथा याद रखेंगे बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला हमें पॉइंट जानेंगे बच्चों, एक साइड हमें जानना है गेमिटोजेनेसिस और एक साइड क्या जानना है बच्चों? एम्ब्रियोजेनेसिस। अरे आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि गेमिटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो इस बात को भी हमें समझ लेना है। क्या गेमिटोजेनेसिस का डेफिनेशन पूछ लेगा, दो नंबर में पूछा जा सकता है, या एम्ब्रियोजेनेसिस का? तो इस बातों को भी हम इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्या कहता है पहला नंबर बच्चों कि हैप्लोइड गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? गेमिटोजेनेसिस। देखिए याद भी हो गया गेमिटोजेनेसिस भी हमें, क्या हैप्लोइड गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गेमिटोजेनेसिस। यहां कह रहा था डिप्लोइड यानी जायगोट से एम्ब्रियो विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन भी हो गया और दोनों का अंतर भी हो गया। अब थोड़ा दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है बच्चों, वो दूसरा नंबर पॉइंट है इसके दौरान, किसके दौरान यानी जो गेमिट की बात कर रहे हैं की बात कर रहे थे, गेमिट के दौरान मियोसिस डिवीजन होता है। किस क्या कौन सा डिवीजन होता है बच्चों? मियोसिस डिवीजन की क्रियाएं होती है। कौन सा डिवीजन? मियोसिस, याद रखिए। कहां क्या होता है? मियोसिस डिवीजन की क्रिया होती है। मगर इनकी बात करेंगे, इनमें क्या होगा कि इसके दौरान माइटोसिस डिवीजन की क्रिया यानी आपसे पूछा जाए एक में समसूत्री होगा और एक में क्या होगा? अर्धसूत्री। एक में अर्धसूत्री और दूसरा में क्या होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा क्रिया होती है। तो हमें जानेंगे किनमें समसूत्री, किनमें मियोसिस, किनमें माइटोसिस। तो याद रखेंगे गेमिट में क्या होगा बच्चों? मियोसिस होगा और जायगोट में एम्ब्रियो में क्या होगा बच्चों? भ्रूण में क्या होगा? माइटोसिस होगा। इस बात को याद रखिए। दूसरा बात हमें जानेंगे, दूसरा नंबर है, तीसरा पॉइंट है कि यह फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना है, यानी जो गेमिट होता है वो निषेचन से पहले की घटना होता है, जो निषेचन नहीं हुआ रहा था उनसे पहले की घटना मानते हैं। किसको? युग्मक को यानी गेमिट को। मगर ये जो होता है बच्चों जायगोट, वो क्या होता है? युग्मक के बाद की घटना होती है, यानी सॉरी ये फर्टिलाइजेशन की बात की घटना होती है, निषेचन की बात की घटना होती है, या फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना होती है। कौन? जायगोट। अब थोड़ा जान लेते हैं क्या
कहता गेमिट। तो याद रखिएगा बच्चों, गेमिट किनको कहते हैं, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ये बनने की प्रक्रिया आपको गेमिट कहते हैं, ये बॉय पॉइंट याद रख सकते हैं इसीलिए। या एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ ये जायगोट के बाद बनने वाली, जायगोट से बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि गेमिट क्या होता है। आप पूछिएगा सर गेमिट क्या होता है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो मेल के बॉडी के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के बॉडी के पास ओवम होता है, वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है गेमिट फॉर्म के रूप में, हम जानते हैं मेल गेमिट या फीमेल गेमिट। और उसी गेमिट से प्रक्रिया के बाद जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिल जाता है, फ्यूजन कर लेता है, तो जायगोट बन लेता है, बना लेती है, और जायगोट के बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाती है, यानी भ्रूण बन जाती है, ये बात याद रखिए। तो ये दोनों अंतर को हम समझ लिए, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी बच्चों को नोट करते चलें। आइए तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग जानते बहुत अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है अंड प्रजनक, याद रखिए बच्चों किसकी बात करें हम लोग, अंड प्रजनक की बात करें, किसकी बात करेंगे, अंड प्रजनक किसकी, अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन या उत्तर जीविता सर्वाइवल सजीव प्रजनक या बेबी पेरस प्राणी की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है। यदि आपसे पूछा जाए बच्चों क्या कि अंड प्रजनक वैसा प्रजाति, वैसा प्राणी जो अंडे को जन्म देते हैं, वैसा प्राणी जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो अंडे को जन्म देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं बच्चों, अंड प्रजनक प्रजनक कहते हैं, और वो यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीबी पेरस, जिसको अंडे को जन्म देता है उसको ओवी पेरस कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब कह रहा है कि जो अंडे जन्म देने वाली प्राणी होते हैं और किनके अपेक्षा, जो बच्चे देने वाले प्रजाति के या प्राणी के अपेक्षा वो जोखिम युक्त क्यों होता है। यही बात तो क्वेश्चन पूछ रहा कि जोखिम युक्त किसको मानते हैं, अंडे देने वाले प्राणी को, मगर किसको नहीं मानते हैं जोखिम युक्त, यानी बच्चे जन्म क्यों, इसके पीछे क्या ले जाना, आइए हम समझते हैं। तुलना कर रहा है बच्चों करने के लिए, क्या कर रहा है, तुलना, आइए हम आंसर की बात कर लेते हैं क्या होती है, इस बात को समझिए। कहता है ओविपेरस एनिमल, किसकी बात करेंगे, जो अंडे देने वाली प्राणी होती है उसकी बात करेंगे। कहता ओविपेरस एनिमल की, तो ओविपेरस एनिमल की संतति बीविपेरस एनिमल की संतति की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होती है, यानी जो जोखिम युक्त जीवन व्यतीत करता है, क्या होता है जोखिम, यानी खतरा भरा जीवन होता है इनका, जो अंड प्रजनक होते हैं उनका बहुत ज्यादा खतरा युक्त जीवन माने जाते हैं। क्योंकि बच्चों याद रखिए, क्योंकि विविपेरस एनिमल की संतति को शिकारी विकास की किसी भी अवस्था में भक्षण कर लेता है, यानी कोई शिकारी होते हैं जो खाने वाले होते हैं, मान लेते हैं क्या कर किसकी बात कर ले, जैसे मछली की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे जीव है, या जैसे मुर्गा की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे जैसे एक मुर्गी एग देती है, उनसे पहले हम लोग बच्चे होने से पहले उनको, जैसे बल ये कबूतर की बात करें वो अपने बच्चे को जन्म देता है, उस कंडीशन की बात करें, ये सब जो एक को जन्म देती है, तो एक का भी हम लोग सेवन कर लेते हैं, या उनमें वृद्धि और विकास होता है उसी समय हम लोग उनका भक्षण कर लेते हैं। तो वही कंडीशन होता है जो एक देने वाले प्राणी होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिकारी हैं एक तरह से, या बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो शिकारी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, वो छोटे जीव के अंडे को या बच्चे को क्या करते हैं भक्षण के रूप में, जन्म जैसे अंडे से कोई बच्चे का निर्माण हुआ तो उसको भक्षण के रूप में ले लेता, उसी तरह क्या होता है कि चूंकि युक्त होता है, क्योंकि बेबी पेरस यानी बच्चे जब होते हैं वो उनके माता पिता के संरक्षण में पालन, जैसे हम लोगों का अपने माता पिता के संरक्षण में पालन पोषण होगा, तो हम लोग जोखिम युक्त उतना नहीं है, मगर एक देने वाले जो प्राणी होते हैं वो ज्यादातर क्या माने जाते हैं, जोखिम युक्त माने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कितना क्वेश्चन हो गया बच्चों, 3 से 3 क्वेश्चन हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। कॉमेंट बॉक्स में सभी बच्चों बताएंगे क्या आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सभी बच्चों कॉमेंट करके बताएं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, व्याख्या करके बताइए कि, क्या कहता है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन, कौन सी डिवीजन, मियोसिस डिवीजन तथा युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस सदैव अंतर संबंधित या अंतवर्ध होते हैं क्या, या इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए क्या होता है इस बातों को समझिए, उत्तर में क्या कहता है बच्चों कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस तथा युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस आपस में हमेशा, आपस में क्या होता है बच्चों, हमेशा संबंधित होते हैं, यानी कह सकते हैं कि अर्धसूत्री के विभाजन के विभाजन होगा तो जाके गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, मेल गैमेट से गैमेट बनेगा, दोनों का स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वो किनके कारण होगा कहेगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के, ये सब प्रोसेस होता है, मदद करता है, हेल्प करता है, आपस में हमेशा संबंधित होते हैं, यानी जुड़ाव रहता है, यानी एक दूसरे, ये इनका मदद लेता है वो इनका मदद लेता है, दोनों एक दूसरे का सपोर्टर माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों विधियों द्वारा हैप्लोइड सेल या गैमेट प्राप्त होता है, ये दोनों विधि जो होता है बच्चों इनके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो याद रखिएगा बच्चों हैप्लोइड सेल यानी अर्धसूत्री कोशिका का, अगुणित कोशिका का, या कह सकते हैं युग्मक का प्राप्ति होता है, किनके कारण बच्चों, तो याद रखिएगा हमें जानेंगे युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन के कारण, ये पॉइंट को याद रखिए। तो आज आप लोगों का चौथा कंप्लीट हो गया, पांचवा की ओर बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों,
क्या, जरा देखिए पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, इस बात को आपको समझना होगा कि पांचवा में क्या पूछा गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर बच्चों पूछ देता है या सब्जेक्टिव के तौर पर ऑब्जेक्टिव को पूछ देता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है या पूछता भी है। क्या है क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। प्रत्येक पुष्पीय भाग को क्या कहता है बच्चों, प्रत्येक पुष्पीय भाग किसकी बात करें बच्चों, प्रत्येक पुष्पीय भाग की बात करें, किसकी बात करेंगे, प्रत्येक पुष्पीय भाग को पहचाने, क्या करें, पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित यानी हैप्लोइड यानी एल या द्विगुणित यानी ट्रिप्लोइड यानी 2m है। पहचान के हमें बताना, मेरे सामने दिया हुआ रहेगा या आपके सामने दिया हुआ रहेगा और उन्हें हमें देखकर पहचानना है क्या ये द्विगुणित है या अगुणित है, इन बातों को हमें समझना है बच्चों। तो आपको हम बताना चाहते हैं, तब बता रहे हैं कि अंडाशय यानी ओवरी जो होता है बच्चों वो क्या होता है यानी डिप्लोइड, जिसको 2n कहते हैं यानी द्विगुणित माने जाते हैं। दूसरा बच्चों प्राकोष की बात करें यानी एंथर की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, डिप्लोइड यानी 2n होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं। सी नंबर में बच्चों अंड या डिम्ब की बात करें यानी एग की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, हैप्लोइड यानी एन होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं। डी नंबर में बच्चों प्राग की बात करें यानी पोलन की बात किया जाए तो ये हैप्लोइड यानी एन होते यानी कहेंगे अगुणित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अगुणित होते हैं। अगले और देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, इनका कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं। अब है ई नंबर में बच्चों नर युग्मक यानी मेल गैमेट को क्या कहते हैं, हैप्लोइड बच्चों यानी एन कहते हैं, यानी आपसे पूछा जाए द्विगुणित या अगुणित तो कहेंगे अगुणित है बच्चों। एफ नंबर में युग्मनर यानी जैगोट की बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, डिप्लोइड यानी 2n होंगे यानी द्विगुणित होंगे। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को आपको पहचान के, इन बातों को पहचान के उनके बाद इनका उत्तर देना है कि कौन द्विगुणित होते हैं कौन अगुणित होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, सभी बच्चों याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाएगा। अब अगले क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर, क्योंकि फास्ट में कराना ही भी है क्योंकि आज आप लोगों को पहला चैप्टर का लक्ष्य प्रयास किया जाना है कि क्वेश्चन खत्म हो जाए, सभी क्वेश्चन को करा दिया जाए, तब नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो अगला लेक्चर आपके सामने अगला लेक्चर जो आएगा वो याद रखिएगा, दूसरा चैप्टर चैप्टर का ही लेक्चर आएगा, तो इसलिए प्रयास किया जाना, आप लोग सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाएंगे और ध्यानपूर्वक समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता बच्चों, वह निषेचन की व्याख्या करके करे इसके नुकसान बताइए, यानी हमें वह निषेचन की व्याख्या तो करना ही करना है, इनके कुछ नुकसान के बारे में भी हमें समझना, क्या समझना है बच्चों, इनके कुछ नुकसान के बारे में समझने की बाह्य निषेचन से क्या नुकसान होती है। आइए बाह्य निषेचन के लिए जल का होना बहुत अनिवार्य है बच्चों। क्या कहता है, वह निषेचन जो वातावरण जैसे जल में संपन्न होता, किसमें बच्चों, जल में संपन्न होता है, क्या फिर से सुन लीजिए, वह निषेचन जो वातावरण जैसे जल में संपन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य निषेचन कहते। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन के निम्न नुकसान है, अब तो हम जानने क्या है बच्चों, हमको दो क्वेश्चन जो कोडिंग में जवाब देना है, अर्थात नुकसान है, डिफिनेशन पता चल गया तो हमें नुकसान की बात करें, क्या नुकसान है बाह्य निषेचन से, इस बातों को हमें समझ लेते हैं। तो पहला नुकसान है बच्चों कि बाह्य निषेचन से प्राप्त संतति या उनके उसके संरचना को शिकारी प्रायः भक्षण कर लेता, क्या कर लेता बच्चों, प्रायः भक्षण कर लेता। देखिएगा ऐसा देखा गया है कि जो कमजोर होता है ना तो उनको सब परेशान करने के लिए तैयार हो जाता है, जो मजबूत होता है उनको जल्दी कोई परेशान नहीं, कमजोर व्यक्ति को या कमजोर चीजों को ही परेशान किया, इसलिए कि आप बाह्य निषेचन के द्वारा जो जीव जन्म लेते हैं उनको परेशान यानी भक्षण के रूप में शिकारी क्या कर लेते हैं, खाने के लिए काम कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, इसलिए इन बातों को, जैसे आप लोग मछली खा लेते हैं मुर्गा खा लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, किसी जीवों को भक्षण करते हैं, नहीं करनी चाहिए, अगर फिर भी आप लोगों को मना नहीं जाता फिर भी कर लेते हैं, खाना पड़ता है क्योंकि उनका भी जनसंख्या बढ़ जाएगा तो फिर तो समस्या है, इसलिए हम लोग किसी जीवों को भक्षण कर लेते क्योंकि वो संरक्षित नहीं होता, संरक्षित इसलिए क्योंकि उनका मानव प्रजाति के रूप में याद कर सकते हैं, संरक्षण का मतलब उनका माता पिता के द्वारा पालन पोषण नहीं किया जाता है, जो माता पिता के संरक्षित होता उसको करके जरा दिखाइएगा, मानव को गजरा पकड़ के दूसरे बच्चे को दिखाइएगा तब पता चल जाएगा उनका रिजल्ट क्या परिणाम क्या मिलेगा, उसी तरह से बच्चों शिकारी क्या करते हैं उनको खा लेते हैं, नुकसान की बात कर रहे हैं बच्चों। दूसरा कहता है बाह्य निषेचन से प्राप्त संतति का जीवन जोखिम युक्त होता है, यानी बहुत ज्यादा खतरों से गुजरता है, यानी जोखिम युक्त होता है क्योंकि संतति का देखभाल उनके पेरेंट यानी माता पिता द्वारा नहीं किया जाता, क्या कि नहीं किया जाता बच्चों, पालन पोषण या देखरेख उनके माता पिता के द्वारा नहीं किया जाता, इस बात को याद रखेंगे। तो आप सभी बच्चों बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया, कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों कायिक प्रबंधन से क्या लाभ है, किसकी बात करें बच्चों, कायिक प्रबंधन से क्या लाभ है, आपका सातवां नंबर क्वेश्चन बच्चों, कायिक प्रबंधन से क्या लाभ है, किसकी बात करें बच्चों, कायिक प्रबंधन से क्या लाभ है, इस बातों को हम समझें। तो कायिक प्रबंधन से निम्न लाभ है, क्या है बच्चों, निम्न लाभ है, पहला कायिक का मतलब समझे, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, कहता है इस विधि से प्राप्त पौधों में फूल तथा फल शीघ्र आते हैं, यानी जो कायिक प्रबंधन से जी बात करेंगे लाभ के, तो इससे
इस विधि से प्राप्त पौधे जो होते हैं उनमें फूल तथा फल शीघ्र आते हैं। दूसरी बात जो याद हमें रखना क्या कि इस विधि से प्राप्त पौधों का फल अच्छे किस्म का होता है, यानी जब हम इस विधि से प्रयोग करते हैं एक नया पौधा फल का या फूल का प्रयोग करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं पौधा बनाते हैं तो याद रखिएगा वो अच्छे नस्ल का भी होता है और बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। किनसे? यानी याद रखिए काई प्रबंधन से प्राप्त जितना भी पौधे होते हैं इस विधि से प्राप्त पौधे रोग मुक्त तथा स्वस्थ होते हैं। यानी इस विधि से प्राप्त जितना भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं रोग मुक्त या क्या होते हैं बच्चों याद रखिएगा क्या स्वस्थ माने जाते हैं यानी किसी प्रकार की बीमारी उनके अंदर नहीं होती है, इस बात को याद रखें। अब हम जो जानेंगे बच्चों अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर क्वेश्चन और आठवां नंबर क्वेश्चन को हमें जानना है, क्या जानना है, क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन क्या है बच्चों। अलैंगिक जनन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? अलैंगिक जनन द्वारा बड़ी संतति लैंगिक जनन द्वारा बड़ी संतति से किस प्रकार भिन्न है, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की बात कर रहा है क्वेश्चन बच्चों कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति जो अलैंगिक जनन द्वारा बना हुआ संतति है वो लैंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न माने जाते हैं, किस प्रकार क्या माने जाते हैं बच्चों भिन्न माने जाते हैं, इस बात को हमें याद रखना। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन का आंसर के बारे में ये जान लेते क्या कहा था। अब देखो बच्चों एक बात और समझो, ये हाई का जैसे अलैंगिक पूछ दिया लैंगिक पूछ दिया तो अलैंगिक का भी हमें डिफिनेशन जान लेना, लैंगिक का थोड़ा बता लेते हैं आप लोग समझ लीजिए। अलैंगिक का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी जिनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, बिना फ्यूजन का ही एक नए संतान का निर्माण हो जाता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा होगा। और लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों कि जिनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? लैंगिक जनन कहेंगे, इस बात को याद रखिए। अब थोड़ा हम इसकी बात कर लेते हैं, एक सर आप लोगों को लैंगिक अलैंगिक और एक सर क्या लिखना बच्चों? लैंगिक लिखना। ये थोड़ा हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं, कहा था अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति और एक सर लिखना बच्चों लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति की बात करेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लेते। अब पहला नंबर इसकी बात कर लेते तब हम उनकी बात करें, कहता है यह केवल एक पेरेंट से बनता है, यानी इसमें माता पिता के रूप में अच्छी पूछा जाए तो याद रखिएगा सिंगल होंगे, मगर इनमें क्या होगा बच्चों? यह एक या दो पेरेंट से बनता है, कौन? लैंगिक मगर अलैंगिक या सिंगल पेरेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा बात कहा था बच्चों इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, हाँ याद रखिएगा बच्चों क्या याद रखना है, इनसे प्राप्त संतति अपने माता पिता के समान नहीं होते इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? याद रखेंगे क्योंकि ये अकादकी और अनुवांशिक दोनों 100% माता पिता से कहां प्रवेश कर जाते हैं, कहेगा बेटा और बेटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए क्या माने जाते हैं? विभिन्नता नहीं मानी जाती बल्कि समानताएं मानी जाती है, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतान अपने माता पिता के क्या माने जाते हैं? समान माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इसका, कहा था इनमें विभिन्नताएं पाई जाती, क्यों? क्योंकि इनसे प्राप्त संतान अपने माता पिता के हूबहू नहीं होते इसलिए उनमें क्लोन भी नहीं होते, पर इनमें क्या होते हैं बच्चों? क्लोन होते हैं। अब हम दूसरा नंबर की बात कर लेते, तीसरा की बात कर लेते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्या है कि इससे क्लोन मतलब इसे हम लोग क्लोन कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या नहीं कहते? क्लोन नहीं कहते, इसको हम लोग क्लोन कहते हैं और इसको क्लोन नहीं कहते, यानी अलैंगिक को क्लोन कहेंगे और लैंगिक को बच्चों क्लोन नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, इस बात को याद रखिए। अब हमें तो कुछ बातों को और समझना है, एक पॉइंट और जान लेते हैं या दो पॉइंट हमें जान लेते हैं, क्या है? आइए बच्चों कहता है अगला पॉइंट है यह अधिक संख्या में प्राप्त होता है, यानी इनकी जो संख्या होती है बच्चों अलैंगिक का वो अधिक होती है, मगर आपसे पूछा जाए लैंगिक की बात करें यह कम संख्या में प्राप्त होता है, कौन बच्चों? कहेगा लैंगिक जनन की पड़ी। मगर पांचवा नंबर हम जानेंगे अलैंगिक में बच्चों इससे जीवित रहने का अवसर कम मिलता है और इससे जीवित रहने की अवसर क्या मिलता है बच्चों? अधिक मिलता है, तो कुछ लाभ भी है तो कुछ हानि भी है, इस बात को याद रखें। यानी हमें जानी लैंगिक का डिफिनेशन, अलैंगिक का डिफिनेशन, अलैंगिक का अंतर, लैंगिक का अंतर कैसे, आगे बात याद रखिएगा, हम पूरे डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को डील किए तो याद रखिएगा सभी बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन है बच्चों अपनी जटिलता के बावजूद, क्या कहता बच्चों? अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया है क्यों? कहता है बड़े जीवों ने क्यों लैंगिक जनन को ही पाया, अलैंगिक को क्यों नहीं पाया, इस बात को हमें इस बात पर डिस्कस करना है, इस बातों को हमें जानना है क्यों लैंगिक को ही पाया, आइए थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो क्या कहता बच्चों अपनी जटिलता के बावजूद, क्या कहता अपनी जटिलता, जटिलता का मतलब बहुत ज्यादा सकते हैं, बहुत ज्यादा जैसे चीज को कहते हैं वो पूरे फैला हुआ है, बहुत ज्यादा जटिल लग रहा है, बहुत ज्यादा ये टफ लग रहा है, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्योंकि बड़े जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, बड़े जीवों में क्या पाई जाती है बच्चों? विभिन्नता पाई जाती है, लैंगिक पाई जाती है जो लैंगिक प्रजनन के कारण ही संभव होता है,
अलैंगिक के कारण बच्चों संभव नहीं होता, बल्कि किन के कारण संभव होता याद रखिएगा, वो अलैंगिक के नहीं बल्कि लिंगिक के कारण ही विभिन्नता संभव हो पाएगा, बल्कि अलैंगिक के कारण विभिन्नता संभव नहीं हो पाती है, इस बात को याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये दसवां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। आपसे पूछा जाएगा बच्चों जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, इस बातों को समझेंगे क्योंकि जीवों के लिए जनन होना क्यों जरूरी है। तो याद रखिएगा बच्चों, जीव के लिए जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर संतुलनता तो बना नहीं रहेगा, मानव भी कम हो जाएगा, मानव जिन जीवों को भक्षण के रूप में लेता वो भी कम हो जाएगा। ये बात को समझा कीजिए, इस बातों को समझे क्यों जरूरी है, क्योंकि मान के चलिए हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, तो पृथ्वी पर होंगे कौन, जीव नहीं होंगे कौन, इसलिए जनन सभी जीवों में जरूरी होता है, इस बात को याद रखिएगा। आइए जानते हैं, जनन द्वारा जीव अपने ही समान संततियों की उत्पत्ति करके, क्या बच्चों अपने ही समान संततियों की उत्पत्ति करके अपनी संख्या को बढ़ाता, क्या करता है बच्चों अपनी संख्या को बढ़ाता, इस बात को याद रखिएगा। यदि जीवों में जनन ना हो तो, यदि जीवों में जनन ना हो तो धीरे धीरे पृथ्वी पर से जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि जनन नहीं हो तो पृथ्वी पर कौन रहेगा, धीरे धीरे जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच क्या जाएगा, यानी ये क्या बच जाएगा, पेड़ पौधा में भी जनन की क्रिया कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगा, जहाँ नदी है वो नदी ही नजर आएगा। इस प्रकार से जीव ये पृथ्वी की संतुलनता खत्म होते चले जाएंगे। अतः पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में क्या अनिवार्य है बच्चों, याद रखिएगा जनन अति आवश्यक है, जनन होना अनिवार्य है, इसलिए जीवों में जनन होनी चाहिए। अब आइए बच्चों, अब हमें जानेंगे अगले क्वेश्चन है हमारे पास ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस बातों को समझेंगे। आइए जो आज आप लोगों का इस वीडियो का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि देख रहे हैं बच्चों कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आप लोगों को बना रहे हैं, ताकि देखिए बच्चों ये नहीं करेंगे तो हो सकता क्या पूछेगा ये बात, तो यकीन रखें जो भी क्वेश्चन करेंगे वो 100% इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, और ये पूछेगा तो पूछेगा, इस बात को यकीन रखें सभी बच्चों। तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा जान लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन या अलैंगिक जनन का प्रकार क्यों माना गया है बच्चों, क्यों माना गया है। आइए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या, कायिक जनन में पौधों के जड़ की, इसकी बात कर जड़ तना अथवा पत्ती से नए पौधों का निर्माण होता, किसका निर्माण होता बच्चों, नए पौधों का निर्माण होता है, क्योंकि कायिक जनन में नए पौधे के निर्माण के लिए क्या चाहिए बच्चों, गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण और उसका फ्यूजन होना नहीं होता, यानी याद रखिएगा इसका निर्माण हमें नहीं दिखता नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। कहता है इसलिए कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन माना जाता है, जैसे आप लोगों को पढ़ाए होंगे कायिक जनन में बच्चों जो तना के द्वारा जिनमें एक नए संतान का निर्माण होता है, जैसे अदरक की बात किए, हल्दी की बात करें उसमें क्या पाई जाती है, राइजोम वगैरह पाई जाती है, तब तो उसके द्वारा एक नए संतान का निर्माण होता है, इस बात इसलिए अलैंगिक जनन को प्रारूपिक जनन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों का बच्चों आज का लास्ट लेक्चर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कल आप लोगों को दिया जाएगा, वहां से आगे परमा क्वेश्चन कराया जाएगा, तो सभी बच्चों जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू बच्चों, ऑल ऑफ यू।